दोस्तों, मेरे कर्मभूमि चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में अपडेट जानकारी दे रहा हूं। ये योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में बालिकाओं के खुशहाल भविष्य के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत चलाई गई थी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। सुकन्या समृद्धि योजना, केवल लड़की के माता पिता या कानूनी अभिभावक ही SSY खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। एक परिवार के लिए केवल 2 SSY खाते की अनुमति है, यानी प्रत्येक लड़की के लिए एक। समय से पहले निकासी, आप बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उसकी शिक्षा के लिए खाते में उपलब्ध शेष राशि का अधिकतम 50% निकाल सकते हैं। निकासी एक मुश्त या किश्तों में की जा सकती है। गारंटी शुदा रिटर्न, चूंकि SSY एक सरकार समर्थित योजना है, इसलिए ये गारंटी शुदा रिटर्न प्रदान करती है। सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम वार्षिक योगदान ₹250 और अधिकतम योगदान ₹1 वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख। आपको खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक हर साल कम से कम न्यूनतम राशि निवेश करनी होगी। इसके बाद खाते पर परिपक्वता तक ब्याज मिलता रहेगा। सुकन्या समृद्धि योजना परिपक्वता अवधि अप करने के बाद उसकी शादी के बराबर है। हालांकि योगदान केवल 14 वर्षों तक करना होगा। इसके बाद SSY खाते पर परिपक्वता तक ब्याज मिलता रहता है, भले ही इसमें कोई जमा न किया गया हो। कुछ मामलों में सुकन्या खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति है। इसमें लाइलाज बीमारी के कारण अनुकंपा आधार, प्राथमिक खाताधारक की अप्रत्याशित मृत्यु आदि शामिल हो सकते हैं। लड़की का जन्म 2023 में हुआ है और माता पिता उसी वर्ष उसके लिए SSY खाता शुरू करते हैं। खाता अंततः 21 साल बाद परिपक्व हो जाएगा और बालिका को पूरी परिपक्वता राशि मिल जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना ब्याज दर, जनवरी से मार्च 2024 वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही 8.2%। निवेश अवधि इक्वल्स 14 वर्ष। 14 वर्ष के अंत में निवेश की गई कुल राशि ₹3,36,000। निवेश 2000 माह है, 12 इक्वल्स 24,000। एक वर्ष के लिए SSY ब्याज दर 8.2। वर्ष के अंत में ब्याज ₹7,71,471। 21 वर्ष के अंत में परिपक्वता मूल्य ₹11,07,471। दोस्तों, में अब ₹2,000 हर महीना जमा करने पर 21 वर्ष बाद मिलने वाली धनराशि की तालिका बनाकर आपको जानकारी दी जा रही है। ₹2,000 प्रतिमाह जमा करने पर एक वर्ष में कुल 24,000 जमा होते हैं तथा 14 वर्ष लगातार जमा करने पर 3,36,000 मूलधन जमा होता है। 14 वर्ष से 21 वर्ष तक धनराशि जमा न करने पर भी ब्याज ₹7,71,471 तथा कुल मिलाकर ₹11,07,471 बालिका को मिलेंगे। तालिका तथा बचत बैंक कैलकुलेटर डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको पोस्ट ऑफिस बचत बैंक संबंधी तथा भारतीय मधुमक्खी के बारे में सारी जानकारी आने वाली वीडियो में मिलती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें। चैनल देखने के लिए धन्यवाद।